नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बर्फबारी होने के आसार हैं। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित कुल्लू जिले के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम खराब हो रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का भी पूर्वानुमान है और प्रदेश में 14 फरवरी तक धूप खिलने के आसार हैं। उधर बीते दिनों में बर्फबारी के बाद अभी भी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा। अटल टनल रोहतांग को बहाल कर दिया गया है, हालांकि अभी सैलानी अटल टनल का दीदार नहीं कर सकेंगे। आपातकालीन वाहनों को ही अटल टनल से होकर जाने की मंजूरी दी गई है। उधर सोमवार शाम तक प्रदेश में 165 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही है और परिवहन निगम के 250 और निजी बसों के 50 रूट सोमवार को प्रभावित हुए हैं। जिले में सुबह और शाम के समय सड़क पर फिसलन के कारण वाहन चालकों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही वाहन चलाने के लिए कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।